नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज़ में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, अब शराब पी के गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा। आप देख सकते हो नया जो अमेंडमेंट हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा जुर्माना आपको सहन करना पड़ सकता है। दोस्तों, आजकल आप देखते रहते हो कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, क्या नहीं होती, ये सारी चीज़ें को देखते हुए गवर्नमेंट ने सख्त कानून लागू कर दिए गए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति शराब के नशे में ड्राइविंग करेगा या कार चलाएगा या मोटरसाइकिल चलाएगा, उसको 185 के तहत एमवी एक्ट के तहत भारी जुर्माना सहन करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप आए दिन दुर्घटना देखते रहते हैं, बहुत सारी 89% दुर्घटना जो व्यक्ति नशे में धुत होकर या शराब के नशे में धुत होकर या और ऐसी अन्य चीज़ें जो नशे की खा के वो गाड़ी चलाता है, तो वो आम लोगों को हानि पहुंचाने की सोचता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादातर खुद तो वो मर सकता है लेकिन दूसरों को भी वो जान से मार सकता है। इसलिए दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में एक संशोधन हुआ है, बहुत ही बड़ा संशोधन हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो 185 एक्ट के तहत भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, जो पहले 2000 रुपये था, जिसको बढ़ाकर दोस्तों अब नए अमेंडमेंट में उसे 10,000 कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अब आपको शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में उतार लीजिए, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको भारी नुकसान भरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम निकाला कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता है, खुद के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुँचाता है, तो उसे 185 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके 185 एक्ट के तहत उसे पकड़कर उसे 2000 की जगह 10,000 का फाइन वसूला जाएगा। दोस्तों, ये नया अमेंडमेंट है, इसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस 185 के जुर्म से बचने के लिए शराब को छोड़ना पड़ेगा या गाड़ी चलाते वक्त शराब नहीं पीना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो धारा 185 एक्ट के तहत उसे 10,000 का जुर्माना बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसे सरकार ने 2000 रुपये का जुर्माना था, जो 185 में या ड्राइविंग करके शराब पीकर ड्राइविंग करता उसे 2000 का फाइन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसको बढ़ाकर, क्योंकि आए दिन घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, इसे देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर अब उस जुर्माने को 10,000 कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों, अब आपका जीना दुष्कर हो सकता है। अगर आप ऐसी स्थिति में पकड़ा जाते हो या ड्राइविंग करके पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि आप सुधर जाइए। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आप 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में और जानकारी